इस वीडियो में हमने एक और मजेदार क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज 3.5 के ही क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन कहता है कि k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं, ये जो कंडीशन है इसको इंग्लिश में इनकंसिस्टेंट कहते हैं, असंगत। और अगर इसका ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं तो वो समानांतर रेखाएं मिलती हैं। आपको कंडीशन भी याद होगा, a1 by a2 equals b1 by b2 equals not c1 by c2। इक्वेशन देखते हैं, आपका इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है 3x + y = 1, ब्रैकेट में 2k-1x + k-1y = 2k+1। आप लिख लीजिए सारे वेरिएबल्स क्या हैं। a1 आपके पास 3 है, a2 क्या है 2k-1, b1 क्या है y के साथ कुछ भी नहीं है यानी 1, b2 क्या है k-1, c1 क्या है 1 और c2 क्या है 2k+1। कोई हल नहीं, इसके लिए केस क्या होता है आपको पता है, a1 by a2 equals b1 by b2 equals not c1 by c2। a1 क्या है आपके पास 3, a2 क्या है 2k-1, b1 क्या है 1, b2 क्या है k-1। आपको क्रॉस कर देना है, मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, तो 3 के साथ ये उठ करके यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3k-1, और इस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 times 2k-1। 1 से मल्टीप्लाई करने से तो वही रह जाएगा, 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब वेरिएबल वाला पार्ट जो उसको एक जगह, कांस्टेंट वाला पार्ट उसको एक जगह, तो ये 2k इसके पीछे कोई सिंबल नहीं है यानी प्लस सिंबल है, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी 3k-2k, और ये -1 और ये -3 अगर इस तरफ आएगा तो +3। 3k में से 2k गया तो k, -1 में 3 ऐड हुआ यानी 2। तो इस तरीके से आपके पास k इक्वल्स क्या आया सॉल्व होकर के, k इक्वल्स टू 2। गिव मी